हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो 4:30 बजे की जो मेरी मील है वो है सत्तू और 2 ग्राम ब्रेड, जिसका एक सैंडविच बनेगा विद पीनट बटर के साथ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सत्तू का आटा कैसे लेते हैं। गाइस, ये चना सत्तू बोलते हैं जिसे। ये चना सत्तू आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। तो आप इसे लेने के लिए हमें 200 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और 200 ml में आप इसके 2 टेबल स्पून डाल के किसी शेकर में या गिलास में, इसके पास शेकर नहीं है वो गिलास में डाल के उसे स्टेयर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मिला लें और फिर उसे पी जाएं। और उसके साथ आप एक सैंडविच ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड का पीनट बटर के साथ। और जिसके पास शेकर है तो उसको शेकर में 200 ml पानी में डालें और अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसे पी लें। तो गाइस, ये देखिए मेरे शाम का मील है चना सत्तू शेकर। इसमें मैं ये वाला पानी इसमें डालूंगा, फिर इसको डालूंगा और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये पीनट बटर और 2 ब्राउन ब्रेड, ये जो 2 ब्राउन ब्रेड दिख रहे हैं, तो 1 चम्मच आप निकालेंगे फुल चम्मच को निकाल के, और एक ब्रेड पे लगा के उसका सैंडविच बनाएंगे। फिर ये दोनों को साथ में मिक्स करके ले लीजिएगा। तो गाइस, मैं इसमें 2 चम्मच ही लेने वाला हूँ। अब मुझे अंदाज़ा है तो गाइस, हमने चना सत्तू 2 चम्मच अपने इसमें ले लिया है, और इसमें अब डालेंगे 200 ml पानी। तो गाइस, ये रहा हमारा पानी, इसको डालते हैं। ये हमने डाला पानी और इसे अच्छे से लगा लेंगे कि निकलेगा। ये लगा लिया, अच्छे से मिक्स करो जब तक इसका बिल्कुल बारीक ना हो जाए, पानी में घुल ना जाए, तब तक आप इसे ना पीएं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आप इसे ईजिली पी सकते हैं। पीनट बटर बहुत ही टेस्टी है, ये क्रंची पीनट बटर। इसमें मूंगफली के भी दाने हैं, आप देखिए। इसका हम 1 चम्मच ये अपना ऐसे निकालेंगे और इसको रखते हैं, और फिर हम इसे ब्रेड पे ईजली तरीके से लगाएंगे। ये लगाया, इसे आराम अच्छे से सारे ब्रेड पे इसे लगा लें आप। यम्मी, इसे इसके ऊपर निकालें। हमारा ये एक बन गया सैंडविच, और इसे अच्छे से हिला लें और फिर ये दोनों को आप खाइए। वो एनर्जी मिलेगी आपको, शाम की आपकी ये मील है जो स्नैक्स मील बोलते हैं, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसके बाद अपना अप्रोक्स अभी 5 बजने वाले हैं, फिर आप 5:30-6 बजे आप प्रोटीन आइटम में उबली हुई दाल चने ले सकते हैं। गाइज, ये मिल चुका है, अभी थोड़ा सा और हिला लेते हैं, पीने में आसानी रहेगी। ये मिला चुके हैं, मिल गया, अच्छा है। ये पैम दिखेगा बहुत ही जबरदस्त सत्तू। तो प्लीज़ आप इवनिंग में सत्तू का यूज़ डेफिनेटली करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप सत्तू को अगर आप जिम जाते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट पहले ले सकते हैं।